अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन सामईन हजरात, सवाल और जवाब हाजिर खिदमत है। जहेज का माल जो कई कई साल तक रखा हुआ होता है, जहेज का सामान, तो सवाल ये पूछा गया, क्या ये जो जहेज का सामान होता है जो घरों में रखा होता है, या लड़की को तलाक़ दे दिया गया उसके बाद सामान वापस आया, तो क्या उस पर भी ज़कात होती है? तो जवाब समाअत फरमाए। अमवाल में ज़कात वाजिब होने के लिए दो सिफ़तों में के एक सिफ़त का पाया जाना ज़रूरी है। पहली सिफ़त यह है कि उस माल का माल नामी होना, यानी उसमें नमू और बढ़ोतरी का पाया जाना, यानी वो माल मुसलसल बढ़ता रहे। और शरीयत मुतहरा ने सिर्फ सोना चांदी और नकद रकम को माल नामी माना है। इसके अलावा और कोई भी माल, ख्वाह कितना ही कीमती क्यों ना हो, वो माल नामी नहीं है। दूसरी सिफत उस माल का माल तिजारत होना। तिजारत की नीयत से ख़रीदे गए हर माल पर ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा जहेज़ के सामान में खावो इस्तेमाल होता हो, ये दोनों सिफतें नहीं पाई जाती, लिहाजा उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर बच्ची के पास सोने चांदी के ज़ेवरात हों और वह निसाब की मकदार को पहुँच गए हों और उस पर साल गुज़र गया हो, तो उन पर ज़कात वाजिब हो जाती है।